दोस्तों सबसे पहले मैं देख लेता हूँ, मैं फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड शिफ्ट दोनों की बात करूँगा। यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट की जो पेपर था वो थोड़ा टफ था कंपेयर देन टू सेकंड शिफ्ट। हिंदी इजी था, ढेर सारे स्टूडेंट ने बताया और पेपर भी था क्योंकि मैंने देखा सारे क्वेश्चन वोश्चन। अभी पेपर डाउनलोड हो चुका है तो मैंने सारे क्वेश्चन, तद्भव तत्सम शब्द विलोम वाक्य शुद्धि, मतलब पूरे भरे पड़े थे। मतलब जिन लोगों ने ठीक ठाक से पढ़ा होगा, जो अच्छे एक्सपीरियंस है, उनका 45+ क्वेश्चन डेफिनेटली हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रीजनिंग देखिए, रीजनिंग टाइम टेकन पेपर था तो इसलिए 25 बहुत ही रेयर लोगों ने किया होगा, 50% लोगों ने किया है, मतलब 50% क्वेश्चन किया है केवल रीजनिंग में। जीएस था मॉडरेट टू टफ मैं मानूंगा, क्योंकि जीएस इतना आसान नहीं था कुछ क्वेश्चन को छोड़ के, तो मॉडरेट टू टफ था। ओवरऑल पेपर देखे तो इजी सेक्शन, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि पूरी आपकी हिंदी इजी थी, इजी टू मॉडरेट है। कई छात्र सेंटर पे नहीं पहुंच पाए, ये मैंने आपको पहले बता दिया। और देखिए, ढेर सारी एनालिसिस मैंने की है और बहुत सारे सोर्सेज जुटाए हैं मैंने, इसके बाद ये पूरा वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए लास्टली आपके कट ऑफ को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ से। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, यहाँ पे थंबनेल पे मैंने 1403 लगा रखा है। कुछ बच्चे अभी ये भी पूछेंगे, बट मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, 1403 पोस्ट। देखिए, 1100 कुछ पोस्ट थी जो बढ़ के अब 1403 पोस्ट हो गई। इसके अकॉर्डिंग आपकी पूरी भर्ती होनी है। कुछ लोग काफ़ी गलत वलत बता रहे हैं यूट्यूब पर, ठीक है। तो ये बढ़ गई थी, ये अपडेट है, ये समझ ले, आप जानते रहिए। लगभग 10 गुना छात्रों को, 2-3 गुना कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि टाइपिंग में बहुत बच्चे छटते हैं, दोनों क्वालिफाइंग होता है। और देखिए, मैं लास्टली ये भी बता दूँ, कुर्तिदेव करना कि मंगल पे करना है। देखिए, दोनों तीनों टाइप का आपको ऑप्शन दिया जाता है, कृतिदेव, मंगल, गेल, सबका ऑप्शन दिया जाता है। मंगल फॉन्ट रहती है, मंगल फॉन्ट पे आप चाहे जो कर सकते हो, कृतिदेव चाहे जो कर सकते हो। मैंने 2016 में मतलब सारी एनालिसिस की है, वो सब एग्जाम उग्जाम दे चुका हूं, तो ये सब सारी चीज है। तो आपको ये बता दे रहा हूं मैं पहले ही, तो किसी भी आप कर सकते हो। अगर मेरे द्वारा बताया कि जो कट ऑफ है, अगर उससे आपका ज्यादा नंबर आ रहा है, तो आप अभी से टाइपिंग शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए एट लास्ट कट ऑफ को डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, एक छोटा सा पिक था मेरे पास में, मैं आपको भेज दे रहा हूँ, यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, प्लेटफॉर्म नंबर 5 की फ़ोटो है, जहाँ से ये इलाहाबाद के लिए फ़ोटो मतलब ट्रेन मिल रही थी। फिलहाल तो बहुत सारी क्राउड थी, कुछ स्टूडेंट्स ने भेजा था। तो ये देखिए, इतने ज़्यादा बच्चे थे, जिसमें अगर मैं पहुँचा तो काफ़ी ज़्यादा क्राउड हो गई थी वहाँ पर। ढेर सारे बच्चों के थ्रू मैंने क्वेरी की थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझे सर्वे मिल पाया था, क्योंकि ठीक ठाक स्टूडेंट्स थे यहाँ पे, आप देख भी सकते हो। तो चलिए हम फाइनली क्वेरी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये कट ऑफ है जूनियर स्टैंड 2019, शिफ्ट 1 एंड 2 दोनों का है। मैं पहले आपको जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सबका बताऊंगा। सबसे पहले पे आपका मार्क्स रहेगा, दूसरे नंबर पे क्वेश्चन रहेगी, ठीक है। देखिए, इस बार जनरल की जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये है आपका 84+ नंबर है, क्वेश्चन जो है आपका 42, ठीक है। ये देख लीजिएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया है, आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, गलती से लिख गया है। तो देखिए, इसमें जो 84 है वो क्वेश्चन है आपका, ठीक है। एक क्वेश्चन आधा मार्क्स का था, तो ये दूसरे साइड जो मैंने क्वेश्चन लिखा है वो आप मार्क्स समझ के लिखिए करिएगा, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, 84 क्वेश्चन है और 42 आपके मार्क्स होंगे। अगर इससे ज़्यादा आपका रहा तो आप टाइपिंग शुरू कर दिए। देखिए, ओबीसी कैंडिडेट्स के मैंने इसलिए बढ़ा के रखा है, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, इस बार जो ओबीसी कैंडिडेट्स ने मैक्सिमम फॉर्म फिल किया है, ठीक है, मैक्सिमम फॉर्म फिल किया है, इसलिए इनकी पॉसिबिलिटी पिछली बार की तरह, तो इनके जो प्री की कट ऑफ ज्यादा जाती है, प्री की कट ऑफ ज्यादा जाती है, आप पिछली बार से एनालिसिस कर लीजिएगा। मैं जो फाइनल रिजल्ट जाता है उनको, इनको रिजर्वेशन को मतलब सब कुछ मिलता है, ठीक है, जो आपके बीए के, इंटर के, ये सब जुड़ने हुए, सब जुड़ने के बाद में, तो इनको मतलब रिजर्वेशन मिलता है। तो 86+ मार्क्स आने चाहिए, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन होने सही होने चाहिए, और जो आपके 43 क्या हैं मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। ये मार्क्स ऊपर से जो हो गया है उसको हटा दीजिएगा, ठीक है, एक मार्क्स की जगह पे क्वेश्चन कर लीजिएगा मान लीजिएगा, और क्वेश्चन की जगह पे मार्क्स। नेक्स्ट है एससी के लिए जो है 76 क्वेश्चन, कितने 76 क्वेश्चन और 38+ मार्क्स होने चाहिए। देखिए, पीएच और एसटी के लिए लगभग लगभग कट ऑफ एक जैसे है, क्योंकि पिछली बार आप एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे, इसमें मैंने पूरी देखी है इसकी एनालिसिस, 70+ क्वेश्चन सही होने चाहिए, 35 आपके मार्क्स आने चाहिए। फीमेल में, फीमेल की कट ऑफ ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता, तो ये 78+ क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, 39 मार्क्स। और ठीक है, एक्स सर्विस मैन का देखो, ईडब्ल्यूएस का अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है, बट ये डेफिनेटली मैं नहीं बता सकता, लेकिन एक्स सर्विस मैन वाले की पोस्ट कम होती है, पद संख्या कम होती है, और बहुत कम लोग इस एग्जाम के लिए मतलब वो करते हैं। पिछली बार का अगर आप देखोगे तो 10 क्वेश्चन, सॉरी 10 आपके
हाँ 10 मार्क्स केवल कट ऑफ गए थे, ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इस बार मैंने 25+ क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, मतलब वो 12.5 से ज़्यादा के मार्क्स अगर आ रहे हैं आपको तो इसमें हो जाएगा। देखिए इतनी इतना जिसका भी आ रहा है प्लीज़ टाइपिंग को स्टार्ट कर दीजिएगा, टाइपिंग बहुत बड़ा मैटर करता है। और 14 से 3 पोस्ट है तो लगभग लगभग आपको 14,000 के आसपास में बच्चों को क्वालिफाई करा चाहिए, बहुत बच्चे क्वालिफाई होंगे। लेकिन ये है, एक बात है कि आपको हिंदी मतलब 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश 30 वर्ड पर मिनट करना ही करना है। अगर आपका इतना ही है तो समझ लो आपको आप डिसक्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। और सीधी सी बात है भैया, मैं बता दूँ, एटलीस्ट आपके 40+ वर्ड पर मिनट आपके इंग्लिश में होने चाहिए, तभी आप वहाँ मार पाओगे। जब आप टाइपिंग देने बैठोगे, टाइपिंग दे के आओगे तो मुझे आपको मेरी ये बात याद आएगी कि क्यों सर ने कहा था, क्योंकि वहाँ पर हाथ तक कब जाते हैं लोगों को। इसलिए आपकी भयंकर टाइपिंग होनी चाहिए और भयंकर प्रैक्टिस होनी चाहिए। और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट आपको मारना है तो एटलीस्ट 35 वर्ड पर मिनट आपका निकलना चाहिए, 38, 40 इतना निकलना चाहिए, तब जाके वहाँ पे होती है, ठीक है। तो ये देख लिए पूरी डिटेल एनालिसिस थी, और अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बता दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगा थोड़ा देर से सही, ठीक है। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।